नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि कली सिर्फ एक बार फूल बन सकती है। खोया हुआ बचपन कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों में अपना बचपन जिंदा रखने की सोचते हैं। जिस बुलंदी को हम नहीं छू पाते हैं, उस बुलंदी के लिए हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं। हम उन्हें झूठ से दूर रखकर सच्चे संघर्ष का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन जब बच्चे हमें सच का पाठ पढ़ाते हैं तो क्या हम उनसे कुछ सीख पाते हैं? बच्चों की सबसे खास और मासूम बात यह होती है कि वो सपने देखने से नहीं डरते हैं, लेकिन क्या इन मासूम सपनों की हम वाकई में रक्षा कर पाते हैं? माँ की आंखों का तारा हूँ, पापा की खुशियों का सहारा हूँ, अब दुनिया पे भी छा जाऊंगी जब मैं कलेक्टर बन जाऊंगी। जो कोई ना कर सका वो कर दिखाऊंगी, दुनिया अपनी मुट्ठी में लाऊंगी, दरोगा अफसर होंगे आगे पीछे जब मैं कलेक्टर बन जाऊंगी। जय हिंद। कलेक्टर बनने का सपना देखने वाली 10 वर्षीय मानसी ओझा 2 मई की रात को शिवपुरी बिहार से लापता हो गई। हर लापता बच्चे की एक दिल दहला देने वाली कहानी होती है, लेकिन मानसी ओझा के साथ आखिर क्या होने वाला था? हमने ना अपने पापा को पहले ही बोल दिया था कि हम पिंकी बुआ की शादी में पिंक लहंगा पहनेंगे, और अगर तुम दोनों भी पिंक लहंगा पहन कर आओगे तो फिर बारातिया बोलेंगे दुल्हनिया पिंकी और भतीजिया पिंक। क्या भैया, अगर हमें चोट लग जाता तो? हमारे केशव चाचा तुम्हें उल्टा लटका देते और हमारे पापा तुम्हें 1/2 कर देते, और अगर तुम्हें हमारी बुआ के शादी में भोज खाना है ना, तो फिर ध्यान से चलो भैया, चलो। ठीक है, अगर आप हमें मेहंदी नहीं दोगे ना तो फिर हम जाके पापा को बोल देंगे। अब मानसी सुन, ये ले मेहंदी ले, ये ले। पर ये तो एक है, हम तो तीन है। दो ये ले, और अपनी ना ये 10 फुट लंबी जुबान पे भी लगा लेना, बहुत चलती है। चल चल चल, मेहंदी लगाएंगे। पिंकी, मानसी भतीजी है तेरी, थोड़ा मीठा बोल, ससुराल में भी ऐसी कड़वी जबान नहीं चलेगी, समझी? क्यों हमारा जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? हमने तुमसे कहा ना, कुछ नहीं हो सकता। क्यों कुछ नहीं हो सकता? तुम एक बार कोशिश तो करो। अब कोई कोशिश काम नहीं आएगा, सब कुछ भूल जा। ऐसे कैसे भूल जाएं? इतना आसान होता है क्या? आसान नहीं है जानते, पर इसके सिवा कोई और रास्ता भी नहीं है। हाँ, पर मैं क्यों हमारा घर उजाड़ना चाहते हो तुम? अगर मानसी के पापा को पता चला ना तो जान ले लेंगे, हमारी भी और तुम्हारी भी। तैयार नहीं हुए अभी तक। हम तुमको बोले थे फोन करके कि तैयार है, ननंद की शादी है तुम्हारी, ऐसे ही आओगे क्या? नहीं, बस तैयारी हो रहे थे। हम भी आ। अरे पंडित जी प्रणाम। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। पंडित जी प्रणाम। दही चूड़ा आम, पंडित जी पलट गए गिर खड़ा। सुरतिया राधा सी और हरकतें कन्हैया सी। अरे इतना बोलने के बजाय मानसी थोड़ा पढ़ लिख लिया कर। अरे खूब पढ़ते पंडित जी, तभी तो फर्स्ट आते हैं, आपकी तरह चौथी पेल थोड़ी ना। चल हट। Thank you.
जी जी, भोज करके जाइएगा। हाँ, ओहो हो, आ गए बड़े लोग, मिल गई फुर्सत दोनों को। सदा सुहागन रहो। अरे ये साड़ी तुमने रत्तू की दुकान से ली है क्या? जी चाची जी। बड़ी फब रही है तुम पे। अच्छा, हम जरा दुल्हन से मिलकर आते हैं। हाँ? जाओ जाओ। माफ करना चाची, सुबह के भोज के लिए आ नहीं पाए, स्कूल में जरूरी काम आ गया। अरे नहीं नहीं नबल, काम पहले बेटा, पर देखो रात का भोज करके ही जाना। हाँ पक्का। अरे भैया प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। कैसी चल रही शादी की तैयारी? भैया तैयारी तो चल रही है, अब बस अब अच्छे से हो जाए। अरे सब अच्छा ही होगा, हमें ना। ये लो, ये 2 लाख रुपया। इसका क्या जरूरत? अरे पिंकी हमारी बहन है। चचेरी तो क्या हुआ, बहन तो है। हा? उसकी शादी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अरे ले ले रत्तू, कर्ज नहीं फर्ज है ये। आज पिंकी की शादी में ये अपना फर्ज निभा रहा है, कल मानसी की शादी में तुम दोनों ये फर्ज निभाओगे, समझे? अरे चाची जी, मानसी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो तो 3 घंटे पहले ही चली गई थी। निकल गई कहाँ? घर जा रही हूँ बोली। अरे वाह बिटिया, बड़ी प्यारी मेहंदी लगी तेरी। अरे चिरमिरी, यहाँ क्या हुआ? कहाँ जा रही है रे उछलती कूदती? रात का भोज खा के जाना। नहीं दादी, हम रात को एकदम सज-धज के मम्मी के साथ आएंगे, अभी मुझे घर पे जाके अपना होमवर्क करना है। पर घर तो पहुंची नहीं वो। अरे भाभी आप चिंता मत कीजिए, अपने दोस्तों के साथ आई थी, उन्हीं के घर खेल रही होगी। हाँ सही बात है, चल तू हम जाके देख के आते हैं। और केशव तू बहुत संभाल, चल चल चल। अरे उषा चिंता मत कर बेटा, नीचे मेरी कहीं टिकती है क्या? कर रही होगी कहीं उछल कूद, आ जाएगी। हाँ चिंता मत कर। पर अपना होमवर्क छोड़ के खेलने जाए, ऐसे नहीं है मेरी मानसी। गौतम जी। नमस्कार नवल भाई। नमस्कार। क्या बात, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मानसी आई है आपके घर निशा के साथ? नहीं मानसी तो नहीं आई, क्यों क्या हुआ? जरूर उसे कोई उठा कर ले गया। चाची जी कौन ले गया होगा मेरी बच्ची को? भैया हमें नहीं पता कि मानसी का इस बात से कोई लेना देना है या नहीं, लेकिन जब हम मानसी को ढूंढ रहे थे तो हमें एक बात का पता चला, जिस रास्ते से मानसी घर लौट रही थी लल्लन भी उसी रास्ते पर था। लल्लन कहीं वो तो गायब नहीं कर दिया मानसी को? भैया हमें भी ऐसा ही लगता है। आपकी बेटी मानसी की उम्र कितनी है? सर सिर्फ 10 साल की है। आज हमारी चचेरी बहन की मेहंदी की रस्म थी, 5 से 6 बजे वो हमारे घर की तरफ आने के लिए निकली, लेकिन घर ही नहीं पहुंची। सर आप उसकी फोटो लाए? हाँ। नाम मानसी, उम्र 10 साल, रंग गोरा, लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई लड़की ने। आपने अपने घर के आसपास या दोस्तों से पता किया? सर सब जगह पता किया लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। सर हमें लगता है ये काम उस लल्लन का ही है, उसी ने गायब किया मानसी को। लल्लन कौन? एक नंबर का बदमाश है सर, वो पहले भी हमारी बहन पिंकी को परेशान कर चुका है। अरे पिंकी रानी, आज तो लल्लन टॉप लग रही हो तुम। हमको जाने दो। अरे ना हाय ना हेलो ना दुआ ना सलाम। देखो हमको तुमसे कोई बात नहीं करनी, हमको जाने दो। अरे लेकिन हमको तुमसे बहुत बात करनी है। देखो अरे पिंकी, उसके खिलाफ कंप्लेंट भी करना चाहते थे लेकिन लल्लन के पिताजी ने विनती की, शर्मिंदा होकर उन्होंने खुद पिंकी से लल्लन को राखी बंधवाई। सर फिर भी उसकी नियत नहीं बदली, वो पिंकी को फिर भी परेशान करता रहा। सर कल पिंकी का शादी, हमें तो लगता है हमसे बदला लेने के लिए वो मानसी को उठाए। दिनेश
तुम मानसी की बुआ के घर से लेके मानसी के घर तक पूरे रास्ते में पूछताछ करो, क्योंकि आजकल के माहौल में एक छोटी बच्ची के साथ कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। वर्मा, तुम इस लल्लन को उठा के लाओ। सर। पूरा घर की तलाशी लो। मानसी कहाँ है? कौन मानसी? कौन मानसी? भैया साहब डालो से। हम किसी मानसी को नहीं जानते साहब। भैया क्या हुआ? कुछ पता चला मानसी का? पुलिस उठाए लल्लन को, वही बताएगा कहाँ गायब किया हो मानसी को। ये है मानसी, पिंकी की भतीजी। याद आया? तू नहीं उठाया ना इसे? साहब, अरे बिना जान पहचान के मैं क्यों उठाऊंगा किसी को? हम कोई क्रिमिनल थोड़ी है। शराब बंदी में शराब पी के बैठा है और अपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे रहा है। साहब हम सच कह रहे हैं साहब, मेरा यकीन कीजिए। सच तो मैं उगलवाता हूँ तुझसे। मिश्रा हाथ मत रोकना। सर बहुत ढीठ है ये ललन, कुछ उगल ही नहीं रहा है। इसके जितने भी ठिकाने हैं हर जगह सर्च करो, हो सकता है वहीं कहीं इसने मानसी को छुपा के रखा हो। ओके सर। हेलो सर, हम मानसी के पिता बोल रहे हैं, कुछ पता चला मानसी का? फिलहाल तो ललन कुछ बोल नहीं रहा, पर हम पता लगा रहे हैं। प्लीज जल्दी पता कीजिए, कल मानसी की बुआ की शादी है। देखिए नवल जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मानसी जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक बेटा, अब ऐसे में तो ये शादी नहीं हो सकती। नहीं चाची, शादी टाला ठीक नहीं। पर भैया, मानसी से ज्यादा जरूरी नहीं है ना हमारी शादी। घर में ऐसा माहौल रहेगा, पुलिस भी आती जाती रहेगी, और फिर ऐसे में शादी कैसे होगी? एक काम करो, शादी हमारे दानापुर वाले घर से कर लो, वहाँ हम सारे इंतजाम करवा देंगे। सबको निमंत्रण यहाँ का दिए हैं, अब ऐन मौके पर 40 किलोमीटर दूर दानापुर कौन जाएगा? किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, हम सबसे हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे। शादी का स्तर छोटा ही रखना। तुम लोग एक काम करो, सुबह होते ही दानापुर के लिए रवाना हो जाओ, हम आ जाएंगे पीछे से। जो ओझा परिवार कुछ घंटों पहले तक मानसी की बुआ पिंकी ओझा की होने वाली शादी की खुशियां मना रहा था, वही ओझा परिवार अब 10 वर्षीय मानसी के लापता होने से परेशान था। सबको लग रहा था कि इस परिस्थिति में पिंकी ओझा की शादी को आगे बढ़ा देना चाहिए, लेकिन हमारे समाज में लड़की की शादी को टालना बदनामी का विषय बन जाता है। एक तरफ एक बेटी के खो जाने का दुख और दूसरी तरफ एक बेटी के कन्यादान का दायित्व, यह असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा था। मानसी के लापता हो जाने के दुख के साथ पिंकी की विदाई का उत्सव मनाना पड़ रहा था। वहीं मानसी को जल्द से जल्द ढूंढ निकालने के लिए पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन शक के दायरे में आया लल्लन अपने बयान पर कायम था और पुलिस को मानसी से जुड़ी कोई लीड अब तक नहीं मिल पाई थी। सर ललन के ठिकानों और उसके दोस्तों से तो कुछ भी हाथ नहीं लगा, लेकिन ललन के बारे में जो भी पता चला है उससे ये तो साफ है कि वो एक छटा हुआ बदमाश है। बंदी में भी इल्लीगल तरीके से दारू सप्लाई करता है वो, और मानसी की बुआ पर भी उसकी बुरी नजर थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मानसी की बुआ की शादी रुकवाने के लिए उसने ही मानसी को गायब किया हो? लेकिन फिलहाल तो वो कुछ उगल नहीं रहा, हो सकता है मानसी के गायब होने का कोई और चक्कर हो। घर में शादी का माहौल था, हो सकता है उसने ऐसा कुछ देखा या सुना हो जिसकी वजह से उसे गायब कर दिया गया हो। वर्मा, उसके घर के आसपास और अच्छे से पूछताछ करो। ओके सर। उषा कहाँ जा रही हो? आपका पुलिस अब तक मानसी को ढूंढ नहीं पाई है, और उन पर भरोसा करके हम हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। उषा मेरी बात सुनो, आप जाइए पिंकी का शादी करवाइए, क्योंकि उसके आगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता ना। ओ
मानसी ओझा को लापता हुए 10 घंटे बीत चुके थे। रात काफी हो चुकी थी और जिस रास्ते से मानसी ओझा के गायब हो जाने का शक जताया जा रहा था वहां आसपास सभी दुकानें बंद हो चुकी थी और सुबह होते ही पुलिस पूछताछ में जुट गई। ये तो मानसी है, नवल जी की बेटी। क्या हुआ साहब? कल शाम को ही अपने चाचा के घर से निकली थी लेकिन घर वापस पहुंची नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो मेरे आंखों के सामने गई थी यहाँ से। ए मानसी, कहाँ जा रही हो? घर पे जा रही हूँ। तो ये देखिए मेहंदी है। बहुत अच्छा मेहंदी है। चलिए बाय बाय। जब वो जा रही थी कोई था उसके साथ? नहीं साहब, वो तो अकेली थी। कल इसको किसी के साथ देखा था? खूब पढ़ते पंडित जी, तभी तो फर्स्ट आते हैं। आपके दर चौधरी पेल थोड़ी ना। नहीं साहब, कल इसके साथ कोई नहीं। पंडित जी, किसी संदिग्ध व्यक्ति को इसके आसपास देखा था जो इसे बहला के ले जाए? नहीं साहब। और लल्लन इसके आसपास था? हाँ साहब, कल लल्लन यहाँ पर चक्कर काट रहा था लेकिन मानसी उसके साथ नहीं थी। सर, आसपास के लोगों से पता चला है कि लड़की कल इसी रास्ते से गई है। कल ललन को भी देखा गया, आगे सुनसान रास्ता है, कहीं वहीं से लड़की को तो उठा के नहीं ले गया। दिनेश, उस एरिया में अच्छे से चेक करो, पता करो किसी ने कुछ देखा था कि नहीं, और मैं फिर से उस ललन को तोड़ता हूँ। मोटी चमड़ी है, शायद इस बार कुछ उगले। सर, नवल जी, हम मानसी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कि मानसी के गायब होने में किसी और का हाथ हो। आपको ललन के अलावा किसी और पर शक है? नहीं सर, ललन के अलावा हमें किसी पर भी शक नहीं, वही गायब की है मानसी को। अरे साहब, साहब मत मारो, साहब साहब साहब, हमने कुछ नहीं किया, हमको कुछ नहीं पता मानसी के बारे में साहब। कुछ नहीं किया तो शिवपुरी में पिंकी के घर का चक्कर क्यों लगा रहा था, और कल शाम को भी तू वहीं पे था, क्यों? वो तो हम दोस्तों को मिलने गए थे। दोस्तों से मिलने गया था या अपनी दुश्मनी निकालने गया था? अपनी दुश्मनी निकालने के लिए तूने मानसी को उठा लिया? साहब, हम सच कह रहे हैं साहब, हम तो वहाँ पे गए थे सिर्फ पिंकी को देखने के लिए। हम शादी से पहले एक बार उसको देखना चाहते थे, बाकी मानसी के बारे में कुछ नहीं पता साहब हमको। ऐसे नहीं बोलेगा तू, तोड़ो इसे। हाँ बोलो वर्मा। सर, ललन ने अभी तक कुछ उगला नहीं है, कहीं किसी और ने तो मानसी को किडनैप नहीं किया? लेकिन ना तो मानसी के लिए कोई रैनसम कॉल आया है और ना ही मानसी के घर वालों ने किसी और पर शक जताया है। हमें हर एक पॉसिबिलिटी को खंगालना होगा, होने को कुछ भी हो सकता है। एक काम करो वर्मा, आसपास के सभी नाले तालाब हर एक जगह को अच्छे से चेक करो। ओके सर। बड़ी होकर कलेक्टर बन जाऊंगी, अब सारे बुरे लोगों की बोलती बंद कर दूंगी। जय हिंद। बोलते तो तुम आज भी सबकी बंद कर देती अपनी बकबक से, कभी किसी को बोलने का मौका देती भी हो? ठीक है, अब हम तब तक नहीं बोलेंगे जब तक आप हमें बोलने को नहीं बोलोगी। एकदम चुप। उषा, हम आते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? दानापुर होके आते हैं, आज पिंकी का शादी है ना। आपको पिंकी की शादी की चिंता है, अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं? ऐसी बात नहीं है उषा, एक बाप के लिए उसकी बेटी से ज्यादा बड़ा बड़ा बात हमको मत समझाए। दिख रहा है बाप के लिए बेटी का प्यार, उस पिंकी की वजह से ललन ने मानसी को उठाया और आपको पिंकी की शादी की चिंता है? पिंकी भी इस घर की बेटी है ना। ना तो ललन कुछ उगल रहा है और ना ही मानसी का अभी तक हमें कोई सुराग मिला है, और मानसी के पेरेंट्स को कोई रैनसम कॉल भी नहीं आया, तो फिर मानसी के गायब होने का क्या चक्कर हो सकता है? और उन्होंने ललन के अलावा किसी और पे भी शक नहीं जताया है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काम उनके किसी जानने वाले ने किया हो जिसका उन्हें भी कोई अंदाजा नहीं लग पा रहा? ओ, 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 ओ,
मानसी की चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, चल। देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं सर, मानसी को गायब हुए 36 घंटों से ज्यादा हो गया और आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं। सर ललन का भाई प्रमोद आया अपने वकील के साथ, बुलाओ। देखिए साहब, हमारा भाई ललन बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है, हम उसकी जमानत के ऑर्डर लेकर आए हैं। वकील साहब दिखाइए अभी। नहीं आप लोग जा सकते हैं। सर ये ठीक नहीं हो रहा है हमारे साथ। नवल जी बात को समझने की कोशिश कीजिए, ललन को जमानत कोर्ट ने दी है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मानसी को उसी ने गायब किया है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। एक 10 साल की बच्ची अपने ही मोहल्ले से गायब हो चुकी है, पुलिस भी लगातार 3 दिनों से उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। यहाँ तक इस केस के मुख्य आरोपी ललन को भी छोड़ दिया गया है। मानसी के पिता नवल ओझा एक स्कूल चलाते थे और उनकी बेटी मानसी का गायब होना पूरे शहर की चर्चा बन गया। मीडिया और जनता ने इस मुद्दे को बच्चों के साथ होने वाली क्रूरता का सामूहिक विषय बना दिया। न्यूज रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया के जरिए मानसी को जल्द से जल्द ढूंढ निकालने का दबाव बनाया जा रहा था और इस केस के प्राइम सस्पेक्ट ललन को जमानत दिए जाने का विरोध किया जा रहा था। लेकिन जिस बच्ची के लिए न्याय की मांग की जा रही थी, आखिर वो किसके अन्याय का शिकार हुई थी और जब उसके साथ हुए अपराध का खुलासा होगा तब क्या होगा? ये केस आगे चलकर एक ऐसा माहौल पैदा कर देने वाला था जो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला था। हेलो, तुम्ही ने गायब किया है ना हमारी मानसी को? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं मानसी को क्यों उठाऊंगा? क्यों गायब करोगे ये तुम भी जानते हो और हम भी, बस ये बताओ किया है या नहीं। अरे मैम, दादी, बुआ, मम्मी यहाँ आई है क्या? नहीं मानसी, वो तो यहाँ नहीं आई। क्या हुआ बेटा? तो फिर मम्मी कहाँ गई? हम स्कूल से घर पे आए तो घर पे ताला लगा हुआ था। अच्छा, तो तू इतनी टेंशन काहे ले रही है? आ जाएगी भाभी, तू हमारे साथ अंदर चल, तेरा आज फेवरेट सब्जी बनाया है। हाँ? चल। कैसा है? वाह बुआ, आपकी तरह तो सब्जी और कोई बना ही नहीं सकता है। पर अभी तो आपकी शादी हो जाएगी, फिर मुझे इतना अच्छा सब्जी बना के कौन खिलाएगा? ठीक है, ऐसा करते आप ना हमें सब्जी बनाना सिखा दो। हम तुमको सिखाएंगे? ना बाबा ना, तुझे कोई सिखा ही नहीं सकता, कितना बड़बड़ करती है, उल्टा हमको ही सिखा देगी तू। हमें मीडिया और जनता दोनों का भरोसा जीतना है। मानसी मिसिंग केस में हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। मानसी के परिवार के दोस्त और दुश्मनों के अलावा इस केस में कोई तीसरा एंगल भी हो सकता है। ये किडनैपिंग, रेप, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, एबडक्शन किसी भी एंगल से की गई हो सकती है। सभी हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप करो, अपने खबरियों का नेटवर्क एक्टिव करो, मानसी के परिवार से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन निकालो। हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना है कि मानसी इस वक्त कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है। सर, सर।
मानसी के साथ हुए अपराध का पता लगाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही थी, और अब आखिरकार वो खबर सामने आने वाली थी जो पुलिस, परिवार, मीडिया और जनता सबको सकते में डाल देने वाली थी। खुशियों का सहारा हूँ, अब दुनिया पे भी छा जाऊंगी जब मैं कलेक्टर बन जाऊंगी। जो कोई ना कर सका वो कर दिखाऊंगी, दुनिया अपनी मुट्ठी में लाऊंगी। सर बॉडी की कंडीशन तो बहुत ही खराब है, देख के लगता है कि बच्ची के साथ रेप किया गया और शायद इसके ऊपर एसिड भी फेंका गया। सर पहले जब हमने इस तालाब में सर्च किया था यहाँ पर कोई भी बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन जैसे ही ललन रिहा हुआ ये बॉडी हमें यहाँ पर मिली। सर कहीं बच्ची के रेप और मर्डर में ललन का कोई कनेक्शन तो नहीं? ललन को उठाओ और किसी भी तरीके उसका मुंह खुलवाओ, और ललन का डीएनए सैंपल मानसी की स्वैब से मैच करवा के देखो। ओके सर। साहब हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया साहब। नहीं किया है, नवल से तुझे बदला लेना था। पिंकी की शादी से तकलीफ हो रही थी ना, इसलिए तूने मानसी को किडनैप किया, उसका रेप किया और उसकी बॉडी को तालाब में फेंक दिया। कबूल कर, ये सब तेरा किया था रहा है। बोल साहब, नहीं बोल साहब, हम सच कह रहे हैं साहब। अरे जब हमने कुछ किया नहीं तो कैसे कबूल कर ले? नहीं कबूल करेगा साहब, हमारा यकीन कीजिए। साहब हमने कुछ नहीं किया, साहब हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। कितना पैसा खिलाया वो तुमको, जेल से निकल कर मार डाला मेरे बच्चे को। मानसी की हत्या ने इस केस को बेहद सनसनीखेज और संजीदा बना दिया था। ऐसा माना जा रहा था कि मानसी की सिर्फ हत्या नहीं हुई है बल्कि उसका बलात्कार भी किया गया है। पुलिस, प्रशासन, जनता और मीडिया सभी लोग अपनी संवेदना और आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। जगह जगह मानसी को श्रद्धांजलि दी जा रही थी और उसे जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाई जा रही थी, जिसका पूरा दबाव पुलिस डिपार्टमेंट पर था। पटना के एसपी ऋषिकेश सिन्हा मानसी मर्डर केस की तहकीकात कर रहे थे और पुलिस टीम से इस हत्याकांड का संज्ञान ले रहे थे। वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस केस में ललन ही आपका प्राइम सस्पेक्ट है या आपने और भी कुछ इन्वेस्टिगेशन की है? आप जानते हैं ना मीडिया कितना बवाल मचा रही है, कितना मुश्किल हो रहा है हमें उनके हर सवाल का जवाब देना। सर हम इस केस की गंभीरता को समझ रहे हैं और ललन के अलावा इस केस के जितने भी एंगल्स हैं सबको अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर मानसी के परिवार के दोस्त या दुश्मन किसी का भी हाथ हो सकता है मानसी के गायब होने में। सर आई एम श्योर हम बहुत जल्दी किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। मानसी रुको, रुक शैतान, रुक, बहुत परेशान करके ना। हाँ 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 कहाँ है? इधर इधर इधर। उसका तबीयत खराब हो जाएगा, कुछ खा लो। हमको नहीं खाना है, हम भी मानसी के पास चले जाएंगे। भाभी कुछ तो खा लीजिए,
ऐसा कैसे चलेगा? नवल जी और उषा जी से कुछ बात करनी है। मैं जानता हूं ये समय ऐसे सवाल पूछने का नहीं है, लेकिन पूछना जरूरी है। आपको मानसी के लिए ना तो कोई फिरौती का कॉल आया और ना ही किसी ने मानसी को उठाते हुए देखा, और जितना हम मानसी के बारे में जान पाए हैं, वो ऐसी बच्ची नहीं थी कोई उसे आसानी से उठा ले। ये काम जरूर किसी जानने वाले का है जिसे मानसी भी जानती थी और मानसी को उस पर ट्रस्ट था। आपको किसी पे शक है? ललन, ललन से हम अभी भी पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन ललन के अलावा आपको किसी पे शक है? नहीं सर, हमें नहीं लगता कि ललन के अलावा हमारी मानसी के साथ ऐसा गलत काम कोई कर सकता है, वही हमारा दुश्मन है। तो आपको ललन के अलावा किसी और पे शक नहीं है? नहीं सर। ये भी तो हो सकता है कि ललन की जगह कोई और ही दुश्मन हो। कहीं पिंकी ने तो पिंकी को इसमें मत घसीटो उषा। क्यों ना घसीटू, ये सब जो हुआ है पिंकी की वजह से हुआ है। हमारी मानसी ने पिंकी की कीमत चुकाई है। पिंकी का दोष नहीं है इसमें उषा, हो सकता है हमारी मानसी की तकदीर ही खराब। हाँ, तकदीर खराब थी उसकी, तभी उसे तुम जैसा बाप मिला। मानसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात पता चली है, मानसी का ना तो रेप हुआ और ना ही उस पर कोई एसिड फेंका गया। क्या? लेकिन उसकी बॉडी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एसिड फेंका गया है। सर, एक्चुअली बॉडी पानी में काफी समय से रहने की वजह से सड़ गई, जिससे ऐसा लगा कि उस पर एसिड फेंका गया। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक मानसी को गला घोंट के मारा गया, और मानसी की बॉडी रिकवर होने के 72 घंटे पहले उसका मर्डर हुआ, यानी 3 दिन पहले उसको मारा गया। 72 घंटे पहले? हमें मानसी की डेड बॉडी मिली 7 मई को, 72 घंटे पहले। इसका मतलब हुआ मानसी को मारा गया 4 मई को, और उसकी मिसिंग रिपोर्ट हमारे पास आई थी 2 मई को। इसका मतलब ये हुआ वर्मा कि 2 और 4 मई के बीच में मानसी जिंदा थी, और इस बीच ना तो कोई रैंसम कॉल आया और ना ही मानसी का रेप हुआ। सर, मुझे तो ये कोई एक्ट ऑफ रिवेंज का ही मामला लग रहा है। वो सब तो ठीक है वर्मा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मानसी को मारने वाले ने उसे 30 से 40 घंटे तक जिंदा क्यों रखा। कहीं मानसी की मौत का कनेक्शन मानसी की बुआ पिंकी की शादी से तो नहीं है? शायद मानसी को मारने वाला पिंकी की शादी खत्म होने का इंतजार कर रहा था। मुझे तो ये मामला कुछ और ही लग रहा है। वर्मा, मानसी से जुड़ी हर एक्टिविटी के बारे में पता करो, और मानसी के परिवार की पूरी हिस्ट्री निकालो, और सबसे जरूरी बात ये पता करो कि पिंकी की शादी से किस किस की जिंदगी अफेक्ट हो सकती थी। सर, पुलिस को अब लग रहा था कि मानसी की हत्या का कनेक्शन उसकी बुआ पिंकी की शादी से हो सकता था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया कि मानसी का बलात्कार हुआ था और उस पर एसिड फेंका गया था। लेकिन प्रेस, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अब भी ये खबरें चल रही थी और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे थे। मानसी मर्डर केस को लेकर पब्लिक में आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जितनी डिले आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उतना ही ज्यादा गुस्सा पुलिस डिपार्टमेंट को बर्दाश्त करना होगा। आई रियलाइज दैट सर, बट आई हैव अ स्ट्रांग फीलिंग कि ये केस जैसा दिखाई दे रहा है, असल मामला उससे ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि मानसी के हत्यारे ने मानसी को मारने से पहले 36 से 40 घंटे तक इंतजार किया, उसके बाद उसे मारा। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मानसी का मर्डर उसके बुआ की शादी से रिलेटेड है? सर, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। हम दोनों ही एंगल्स को अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पर सर उससे भी बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि मीडिया और पब्लिक में ये अफवाह फैल गई है कि मानसी के साथ रेप हुआ था और उसे एसिड से जलाकर मारा गया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज रूल आउट हो गई थी। सर, मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक को शांत करने के लिए हमारे लिए ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि ना तो मानसी का रेप हुआ था और ना ही उसे एसिड से जलाकर मारा गया। So you want me to organize a press conference? No, sir. मैं पर्सनली मीडिया और पब्लिक से एक अपील करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। ओके। कुछ दिनों पहले 10 साल की मासूम बच्ची मानसी की हत्या हुई, और जिस बेरहमी से उसे मारा गया वो एक बहुत बड़ा अपराध है। पुलिस मानसी के कातिलों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पुलिस मानसी और उसके परिवार के साथ खड़ी है, लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें क्लियर करना बहुत जरूरी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ना तो मानसी के साथ रेप हुआ था और ना ही उस पर एसिड फेंककर उसे जलाया गया था। मानसी की बॉडी डीकम्पोज हो गई थी, और डीकम्पोज होने की वजह से उसकी स्किन सड़कर काली पड़ गई थी, ना कि एसिड की वजह से। भैया, हमें तो लगता है ये पुलिस ललन और उसके भाई के साथ मिलकर कोई साजिश कर रही है।
उन्होंने इनको पैसा खिलाए हैं। सच तक पहुंचने के लिए हमें सच की जरूरत है, इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि पुलिस को अपना काम करने दें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। हमें ऐसा लगता है कि मानसी की हत्या मानसी के परिवार से बदला लेने के लिए की गई है, इसलिए हम सबको मिलकर मानसी के हत्यारों को पकड़ना है। मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यू सिंह आप सबसे और मानसी के परिवार से पूरे सहयोग की उम्मीद रखता हूं। जय हिंद। लल्लन को इतना तोड़ा लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ उगल नहीं रहा। हो ये भी सकता है वर्मा कि मानसी के परिवार की लल्लन से दुश्मनी का फायदा उठाकर मानसी के परिवार से जुड़े किसी दोस्त या दुश्मन ने कांड किया हो और उसे ऐसा लग रहा हो कि हमारा शक लल्लन पे जाएगा। सर मैंने मानसी के बारे में पता किया, वो बहुत ही नटखट थी, वो किसी को भी कुछ कह दिया करती थी जिससे लोगों को बुरा लगता था। हो सकता है मानसी ने उस दिन किसी को कुछ कह दिया हो और उसे बुरा लगा हो और ऐसा काम कर दिया हो। लेकिन सर मानसी 10 साल की बच्ची थी, क्या वो अपनी बातों से किसी को इतना ऑफेंड कर सकती थी कि कोई उसे इतनी बेरहमी से मार दे? वर्मा आजकल लोग छोटी से छोटी बात को लेकर भी मर्डर कर देते हैं। पता करो मानसी के इस स्वभाव की वजह से किसको इतनी तकलीफ हो सकती है कि वो उसे इतनी बेरहमी से मरवा दे। अपने खबरियों को काम पे लगाओ क्योंकि हमें मानसी से जुड़े हर एक आदमी की हर एक डिटेल को खंगालना है। ओके सर। पुलिस पर अब दोहरी जिम्मेदारी थी, एक तरफ मानसी के कातिलों को पकड़ना और दूसरी तरफ शहर में शांति बनाए रखना। इस केस से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर एक ब्रेकिंग न्यूज की तरह फैल रही थी और पुलिस को अब इस केस में एक अहम जानकारी मिली। पिंकी ओझा। हाँ सर वही, उसका नवल के स्कूल किसी लाइब्रेरियन के साथ चक्कर चल रहा था और दोनों कांड करते हुए पकड़े गए थे। जब ये बात नवल को पता चली तो उसने बहुत हंगामा करा और तो और उस लाइब्रेरियन को बेइज्जत करके जॉब से बाहर भी निकाल दिया। मतलब लल्लन और वो लाइब्रेरियन दोनों पिंकी के प्यार में थे और मानसी को किडनैप करके रखा गया 36 घंटे तक, मतलब पिंकी की शादी पूरी होने तक। इसका मतलब है वर्मा किडनैपर का मोटिव मानसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि पिंकी की शादी को रुकवाना था। और जब ऐसा नहीं हुआ तो किडनैपर ने मानसी को मार दिया, शायद गुस्से में या डर में। पता करो ये लाइब्रेरियन कौन है। सर एक बड़ी इंफॉर्मेशन मिली है, वो लाइब्रेरियन कोई और नहीं मानसी का मामा है माधव, वो नवल के स्कूल में लाइब्रेरियन था। सर माधव और पिंकी दोनों का काफी लंबे समय से अफेयर चल रहा था, शादी तक बात पहुंच गई थी, सब राजी थे सिवाय नवल के। उसी की वजह से इन दोनों की शादी नहीं हो पाई और नवल ने माधव को बहुत बेइज्जत भी किया था। तो वर्मा हो सकता है माधव ने नवल से अपनी बेइज्जती का बदला लिया हो, उसने ये सोचकर मानसी को किडनैप किया हो कि इससे पिंकी की शादी रुक जाएगी और नवल और उसके खानदान की बेइज्जती होगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने गुस्से में आकर मानसी को मार दिया हो। सर कई बार पूछने के बाद भी ना तो नवल ने कुछ बोला और ना ही उषा ने इस बात का कोई जिक्र किया। हो सकता है उन्हें ऐसा लगा हो कि माधव मानसी का मामा है, ऐसी हरकत नहीं करेगा। उठा के लाओ इस माधव को। ओके सर। साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं मानसी का मामा हूँ, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। ये रिश्तों की दुहाई कहीं और जाके देना, हमने तो माँ को अपनी सगी बेटी को मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। अब सच सच बोल, ये सब तेरा किया धरा है ना? तू नवल से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसने तेरी शादी पिंकी से नहीं करवाई, इसलिए तूने मानसी को किडनैप किया ताकि पिंकी की शादी रुक जाए और नवल और उसके खानदान की बदनामी हो। लेकिन जब पिंकी की शादी नहीं रुकी तो तूने गुस्से में आके मानसी को मार दिया। बोल यही सब हुआ था ना? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मानसी मेरी भांजी थी और रही बात पिंकी की, वो मुझसे प्यार करती थी लेकिन जीजा जी ने हमारी एक नहीं सुनी। जीजा जी हम पिंकी को कहाँ पसंद है कहाँ नहीं ना वो हम देख लेंगे, पर तुम इस घर के आसपास भी कहीं दिखे ना तो समझ लो तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। हमारे साथ साथ जीजा जी ने पिंकी का भी दिल तोड़ दिया, प्यार करती थी मुझसे और अब उसकी जबरदस्ती शादी करा दी गई। लेकिन तू नहीं चाहता था कि पिंकी की शादी हो, इस सारे कांड में पिंकी ने भी तेरा साथ दिया ना? नहीं सर, उस दिन के बाद से मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं जीजा जी के खिलाफ जाकर पिंकी से बात करूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा कांड तूने अकेले ही किया है? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। इस पूरे परिवार ने हमसे बहुत सी बातें छुपाई हैं, बहुत कुछ दबा कर बैठे हैं। पूरी फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, खासकर पिंकी और माधव के। अब इस केस के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। लेके आए इन दोनों सर।
हेलो क्या चाची नवल भैया हमारे और माधव के रिश्ते के खिलाफ थे, उनके कहने पे हम उसे भूल गए। फिर हमारी जिंदगी में मनोज आया। हम और मनोज एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन नवल भैया ने हमारी जबरदस्ती शादी तय कर दी। मनोज कल हम अपने हाथ में किसी और के नाम की मेहंदी नहीं लगवाएंगे। हमने अपनी सारी पैकिंग कर ली है, तुम आज रात को हमें मोड़ पे मिलो मनोज, हम यहाँ से भाग जाएंगे। बुआ आप भागने वाली हो? क्या हुआ बेटा? दादी आपको पता है बुआ मैं किसी के साथ भागने वाली है? हाँ हमने खुद उन्हें फोन पे बात करते हुए सुना। मानसी देख बेटा तू हमारी अच्छी बेटी है ना तो देख ये बात किसी को नहीं बताना, नहीं बताएगी ना? ठीक है दादी। आपने मानसी को चुप रहने की नसीहत तो दी, लेकिन आप ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि मानसी अपने स्वभाव के अनुसार ये बात किसी को भी बता सकती है, इसलिए अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए आपने उस मासूम मानसी को। सर सर आप ये कर क्या रहे हैं सर? पहले हमारी बहन पिंकी को ले आए, फिर चाची को ले आए, सर छोड़िए उन्हें। देखिए नवल जी, आपकी बेटी मानसी का मर्डर खुद आपकी ही चाची कमला देवी और आपकी बहन पिंकी ने किया है। उन्होंने अपना यह गुनाह खुद कबूला है। सर मां ने और पिंकी ने कुछ नहीं किया, ये गलती हमसे और रतेंद्र भैया से हुई है। अरे हम सच बोल रहे हैं, हमारे पापा ने ना हमारे लिए इतनी मोटी पायल बनवाई है। चल झूठी। अरे हम झूठ नहीं बोल रहे, ये आज भी झूठ कह रही है और जो कल कहा था वो भी बिल्कुल झूठ था। कल कह रहे थे तो बिल्कुल सच था, हमने बचाई है पिंकी बुआ की शादी, वरना वो तो भागने वाली थी। चल झूठी, बढ़िया शादी बचाने वाली, और तू अपना मुंह बंद करके रख समझी, और चल यहाँ से। सर हमें सिर्फ इस बात का डर था कि अगर मानसी के कारण ये बात बाहर आ जाती कि पिंकी किसी और के साथ भागने वाली थी तो सर पिंकी की शादी टूट जाती, लेकिन हम जानते मानसी का मुंह बंद करना इतना आसान नहीं था। ठीक है अगर आप हमें मेहंदी नहीं दोगे ना तो फिर हम जाके पापा को बोल देंगे। सर हमको लगा अगर वो बात किसी को पता चल जाती तो पिंकी की शादी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता, तो सर हम सोचे कि जब तक पिंकी की शादी नहीं हो जाती तब तक हम मानसी को बांध के रखेंगे, लेकिन सर हम उसको मारना नहीं चाहते थे, हम तो सोचे थे कि उसको किसी तरह समझा बुझा के छोड़ देंगे। तब तक मामला इतना बढ़ गया कि हमें ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ा। चलो कुछ नहीं बोले थे, लेकिन हमें उन पे शक हो गया था, पर हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो, इसलिए ये गुनाह हमने अपने सर पे ले लिया। पिंकी की शादी को बचाने के लिए उसके दोनों भाइयों ने जो अपराध किया वो शादी भी उनके अपराध और पिंकी की नासमझी की भेंट चढ़ गई। पिंकी के पति ने पिंकी से तलाक लेने का फैसला कर लिया। पिंकी अगर चाहती तो उसकी जिंदगी अब भी पटरी पर आ सकती थी, लेकिन मानसी और उसके मासूम सपने उड़ान लेने से पहले ही ध्वस्त हो गए।
और मानसी के पिता नवल को हमेशा इस बात का मलाल रहेगा कि उसके पिता होने का फर्ज उसके भाई होने के फर्ज से हार गया। सच को समझदारी से स्वीकार कर लेने में ही भलाई है, क्योंकि जब सच से डर कर झूठ और गलत का सहारा लिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ अपराध का जन्म होता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।